नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये 11th क्लास के पेंटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वो देखेंगे कि उनका एनुअल एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्या पैटर्न होगा, कितने नंबर का होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें वो इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इससे पहले उनको कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर CBSE की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये मौका है आप लोगों के पास ये देखने का कि आपका कितने नंबर का और लगभग कैसे क्वेश्चंस के साथ एनुअल टर्म में पेंटिंग का एग्ज़ाम आने वाला है। तो बेटा, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो देखो बेटा, 15 नंबर का पेपर आपका टर्म फर्स्ट में हो चुका है। टर्म सेकंड का जो पेपर होगा वो आपका 15 नंबर का होगा। 1 घंटे का टाइम इसके अंदर आपको दिया जाएगा और पेपर के लिए कुछ जो सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं वो हैं कि आपके प्रश्न पत्र में बेटा 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको सभी प्रश्नों को करना होगा। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 जो प्रश्न हैं वो 2 अंक के होंगे, यानी कि 8 नंबर का पेपर आपका 2 नंबर के प्रश्नों से होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या जो 3 या प्रश्न संख्या जो 5 है वो 3 अंक का होगा, यानी कि 11 नंबर आपके हो गए। और लास्ट में एक प्रश्न है आपका 6ठा नंबर जिसका है और वो 4 नंबर का होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 6 आपका 4 नंबर का होगा। इस तरह से बेटा आपके 15 नंबर का जो पैटर्न है पेपर का वो यहाँ पर CBSE ने दिया हुआ है। अच्छा बेटा, अब शुरू कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है बेटा यहाँ पर, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किन्हीं 2 मूर्तिशिल्पों का नाम बताइए, साथ ही यह भी बताइए कि वह कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहला जो मूर्तिशिल्प है, आप कोई भी मूर्तिशिल्प आपको जो इस वक्त याद है आपकी बुक से आप वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मूर्तिशिल्पों का विवेचन किया है, नाम बताया है। तो पहला है नटराज मूर्तिशिल्प जो तमिलनाडु के तंजावुर में है, और इसी चैप्टर से ही दूसरा मूर्तिशिल्प यहाँ पे ले लिया है देवी उमा जो कि चोल शासनकाल का था और ये भी तमिलनाडु के तंजावुर में है। आप कोई से भी 2 मूर्तिशिल्पों के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं वो आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा जो 2 नंबर का आपके लिए यहाँ पर दिया गया है वो है, गोल गुंबज इंडो इस्लामिक शैली की सुंदर वास्तुकला है, इस कथन का क्या कारण है। बेटा ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है आपका। तो गोल गुंबज यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ये गोल गुंबज इंडो इस्लामिक शैली की सुंदर वास्तुकला है, इस कथन का प्रमुख कारण इसका गुंबद है। गोल गुंबद का गुंबद एशिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है, आपको पता ही, आपने देखा ही है बेटा। इस इमारत के अंदर एक विशेष हॉल है, गुंबद के अंदर की ओर आधार प्रदान करते आर्क हैं। इमारत के चारों कोनों पर अष्टकोणीय 7 मंजिलों वाली मीनारें बनी हुई हैं। बेटा मैं इसका चित्र भी आपको साथ के साथ दिखा देती हूँ। तो बेटा आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है चित्र इमारत का वो है गोल गुंबज, ठीक है बेटा। इसका वो जो गुंबज आपको बहुत बड़ा ऊपर दिख रहा है वो ही इसके जो प्रसिद्धि है उसका मूल कारण है। इसके अलावा इसके जो चारों कोनों पर 4 इमारतें बनी हुई हैं जिसको हम अष्टभुजाकार इमारत बोलेंगे या पिलर बोलेंगे, ये भी इसकी प्रसिद्धि का एक दूसरा कारण है। देख लेते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2 नंबर में आपसे पूछा गया है वो है, प्रतिमा विज्ञान यानी कि आइकोनोग्राफी क्या है, मंदिरों को मूर्ति शिल्पों से सजाने के क्या कारण थे। तो बेटा अगर आप प्रतिमा विज्ञान क्या है इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और मंदिरों को मूर्ति शिल्पों से सजाने के क्या कारण थे अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। तो सबसे पहले प्रतिमा विज्ञान क्या है, तो प्रतिमा विज्ञान यानी कि आइकोनोग्राफी सही नापतोल एवं विशेषताओं के साथ प्रतिमा बनाने की कला है। प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत प्रादेशिक क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन व अवलोकन किया जाता है।
किसी प्रदेश के संरक्षक की मांग के अनुरूप मूर्तियों की शैली अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि उस समय पे जो शासक है वो किस प्रकार की मूर्ति शिल्प बनवाना पसंद करता है वो उस आधार पर है, ठीक है। मनोरंजन हेतु बनवाना चाहता है या धार्मिक आधार पर मूर्तियां बनाना चाहता है, या अगर हम धार्मिक आधार पे भी बात करें तो मतलब किस धर्म पर आधारित मूर्ति बनवाना चाहता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब मंदिरों को मूर्ति शिल्प से सजाने के दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। हाँ, तो मूर्ति शिल्प से सजाने के दो प्रमुख कारण, तो सबसे पहला तो बेटा ये है कि धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का पहला कारण लोगों को उनकी ओर आकर्षित करना होता था, यानी कि मंदिरों की ओर आकर्षित करना। अगर हम कहीं पर जाते हैं मंदिर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो पहले ये भी होता है अरे ये कितना अच्छा बना हुआ है, यानी कि उसकी बनावट भी हमको कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। दूसरा कारण है बेटा कलाकारों को रोज़गार प्रदान करना, क्योंकि उनको बनाने में टाइम लगता है और कारीगर का काम ये होता है, वो उसकी मेहनताना होती है, मतलब मेहनत होती है, रोज़गार होता है, ठीक है, पैसा कमाने का जरिया होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कलाकारों को रोज़गार प्रदान करती थी, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका जो चौथा प्रश्न है वो है उड़ीसा से प्राप्त सूर्य मंदिर की झांझर वादक प्रतिमा का कलात्मक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आपको झांझर वादक प्रतिमा का कलात्मक विश्लेषण करना है, और बेटा ये वाला प्रश्न भी आपका दो नंबर में है। तो झांझर वादक प्रतिमा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में बाहर से लोगों का स्वागत करने के लिए अन्य मूर्ति शिल्पों के साथ स्थापित की गई है। इस सूर्य मंदिर, देखो कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है, यानी कि इस सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने किया था और 1238 से लेकर के 58 ईस्वी के मध्य में किया था। यह एक स्त्री आकृति है, कौन, झांझर वादक, यानी कि जो झांझर बजा रही है वो एक स्त्री आकृति है। इस मूर्ति शिल्प में स्त्री को झांझर नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। स्त्री ने अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाया हुआ है तथा उसके पैर एवं टांगे कुछ इस मुद्रा में हैं मानो कि वह नृत्य कर रही हो। अच्छा बेटा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी मूर्ति शिल्प भी अभी आपको साथ के साथ दिखा देती हूँ। तो बेटा ये जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये है झांझर वादक मूर्ति शिल्प। बेटा ये मैंने आपकी बुक से पिक्चर ली है, तो आपकी बुक में भी ये पिक्चर दी गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में ये मूर्ति शिल्प आपको दिया गया है। तो इसके अंदर ये एक महिला आकृति है जैसा कि एक्सप्लेन किया है, और इसके दोनों हाथों में जो आपको दिख रहा है वो एक झांझर नामक वाद्य यंत्र है जिसे ये बजा रही है, और जो इसके पैरों की मुद्रा है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, ये पैरों की जो मुद्रा है ये नृत्य करती सी यहाँ पर प्रतीत हो रही है। और ये जो यंत्र है बेटा जिसको मैंने अभी यहाँ पे किया है, ये झांझर नामक एक यंत्र है जिसको ये बजा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है विकल्प, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न है, अगर आपको झांझर वादक वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके साथ विकल्प में जो क्वेश्चन दिया गया है और में जो क्वेश्चन दिया गया है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, माँ और बच्चा जो मूर्ति शिल्प है विमल शाह मंदिर जो कि दिलवाड़ा में है, उस मूर्ति शिल्प के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो अगर आपको झांझर वादक नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से आपको विकल्प दिया जाएगा जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें भी। देख लेते हैं इसका आंसर। तो माँ और बच्चा जो मूर्ति शिल्प है वो राजस्थान माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिरों के समूह में से जो एक मंदिर है विमल शाह मंदिर, उसकी छत के एक कोने पे बनाया गया है और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। तो बेटा सबसे पहले माउंट आबू में दिलवाड़ा के बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, उन मंदिरों में जो सर्वप्रमुख एक मंदिर है विमल शाह मंदिर, उसके छत के कोने पर सफ़ेद संगमरमर से इस मूर्ति शिल्प को बनाया गया है, और इसका जो निर्माण समय है वो ईसा की 13वीं शताब्दी माना गया है। इस मूर्ति शिल्प में शिल्पकार मतलब मूर्तिकार, ठीक है, शिल्पकार ने जैन संप्रदाय की जो मातृ देवी हैं अंबिका, उनको एक शिशु का पोषण करते हुए दिखाया है।
इस मूर्ति के माध्यम से मूर्तिकार ने माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम में मातृत्व को एक तरह से अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो बेटा एक बार इस चित्र को भी देख लेते हैं। हाँ तो बेटा, इस वक्त जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है चित्र माँ और बच्चा, ठीक है। माँ और शिशु विमल शाह मंदिर में जो ये चित्र बना हुआ है, तो ये जो महिला आकृति यहाँ पर आपको दिख रही है वो जैन धर्म की जो माता हैं अंबिका, ये अंबिका माता को दिखाते हैं। और ये एक शिशु है जो नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, जिसको पोषित करती हुई यहाँ पर माता दिख रही हैं, ठीक है बेटा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा है। अब हम आ गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। और बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका 3 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है आपसे कि दक्षिण शैली में बने मंदिरों की कौन सी आधारभूत विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी शैली के मंदिरों की विशेषताएं लिखनी है, तो 3 विशेषताएं कम से कम आप यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर लगभग इतना लिख दीजिए कि आपको 3 मार्क्स मिल जाए। तो दक्षिण शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक शैली है। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश मंदिर इस श्रेणी के होते हैं। तो सबसे पहले अब यह तो बात हो गई दक्षिणी शैली के मंदिर विशेषता। तो इस मंदिर का जो आधार भाग है, यानी कि जो चबूतरा होता है जिसके ऊपर पूरे मंदिर को बनाया जाता है, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, वो वर्गाकार होता है। वर्गाकार समझते हो ना, चौरस चौकोर। तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर पिरामिड नुमा यानी कि पिरामिड के आकार का होता है। तो 2 विशेषता हो गई, जो वर्गाकार है वो चबूतरा हो गया, और पिरामिड के आकार का इनका जो है शिखर हो गया। शिखर का जो शीर्ष भाग है उस पर आमलक व कलश तथा स्तूपिका स्थापित की जाती है, ठीक है। इन शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता ये है कि ये काफ़ी ऊंचे होते हैं और विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण यानी कि जो परिक्रमा करने का स्थल होता है, प्रदक्षिणा पथ। प्रांगण एक तरह से आंगन भी बोल सकते हैं। घर के अंदर तो आंगन छोटा सा होता है क्योंकि घर छोटा होता है, मंदिर बड़ा है तो मंदिर का आंगन यानी कि प्रांगण बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो प्रांगण का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो गोपुरम कहलाता है, ठीक है। गोपुरम एक बार आप नेट पे डाल के देखिएगा गोपुरम कैसा होता है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, आप गूगल कीजिएगा गोपुरम क्या होता है। तो आपको आराम से ऐसे दक्षिण भारत का कोई भी, जैसे मीनाक्षी मंदिर है उसके आगे से गोपुरम खड़ा हुआ, या रामेश्वरम मंदिर के आगे गोपुरम खड़ा हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्राय मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ तथा ध्वज स्तंभ का भी विधान होता है। दीप स्तंभ भी आपको मिल जाएगा गुजरात के मंदिरों में ना, मध्य प्रदेश के मंदिरों में दीप स्तंभ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब इसी के साथ आपका इस वाले क्वेश्चन में भी आपको और विकल्प दिया हुआ है, यानी कि 4th प्रश्न में आपको और का विकल्प मिलेगा, और 5वें प्रश्न यानी कि जो 3 नंबर वाला प्रश्न होगा उसमें भी आपको मिलेगा विकल्प। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मेहरौली स्थित कुतुब मीनार की संरचनात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध कीजिए। जिस तरह से आपने अभी बताई है किसकी विशेषता दक्षिण भारतीय मंदिरों की, इसी तरह से अब आपको बतानी है कुतुब मीनार की संरचनात्मक विशेषता। तो 3 नंबर है तो कम से कम 3 नंबर में आंसर देना है। तो इस इमारत का जो निर्माण है वो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारी जो दामाद है इल्तुतमिश ने करवाया था। ये कुतुब मीनार न्याय व संप्रभुता का प्रतीक है। कुबतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी द्वार, जिसे कि अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, उसके पास ये स्थित है। अब इसकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं? तो प्रारंभ में यह जो इमारत थी वो 4 मंजिल की थी, लेकिन आज की डेट में इसके अंदर 5 मंजिलें हैं जो नीचे से ऊपर की ओर छोटी होती जा रही है। मतलब नीचे बड़ी है, उसके ऊपर उससे छोटी, इस तरह से सबसे ऊपर सबसे छोटी है। जो पहली 3 मंजिलें हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। उनके पत्थरों को बहुत अच्छे से तराश कर, उन पर लिख कर यानी कि लेखन उत्कीर्ण करके उसको बनाया गया है। जबकि ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो लाल पत्थर में सफ़ेद संगमरमर के बेहतरीन संयोजन से निर्मित की गई हैं।
ऊपरी मंजिल फिरोज शाह तुगलक के काल में क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो तुगलक ने उसको दो भागों में विभक्त करके सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था बाद में, क्षतिग्रस्त होने के बाद में। तो एक तरह से तीन लोगों ने काम किया इससे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसके दामाद इल्तुतमिश ने और इनके बाद तुगलक ने। ठीक है बेटा, तो कुतुब मीनार तो वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा और जाकर ही देखा होगा, अगर जाकर नहीं देखा तो नेट पे भी कई बार देखा होगा, पर फिर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो बेटा ये है पिक्चर कुतुब मीनार की। ठीक है, ऊपर की दो मंजिलों को अगर आप देखो तो वो बहुत आकार में भी छोटी हैं और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं। इसके अलावा जो आगे आपको एक चौकोर गुंबदनुमा इमारत दिख रही है, ये वही है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसके दक्षिणी द्वार के सामने इस कुतुब मीनार को बनवाया है। ठीक है बेटा, आप देख लेते हैं आपका लास्ट प्रश्न जो कि 4 नंबर के लिए है। तो बेटा अभी जो आपको दिख रहा है ये है आपका प्रश्न नंबर 6 जो कि आपका लास्ट प्रश्न है और ये 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है मूर्ति, मूर्ति शास्त्र तथा अलंकरण से आप क्या समझते हैं। अपने पाठ्यक्रम में से किसी भी मूर्ति शिल्प से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों प्रभावित हैं उसका विवेचन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताइए कि मूर्ति क्या है। तो मूर्ति मैंने कई बार आपको बताया है ना, तो 3 डायमेंशनल जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू तो हम चित्र को भी सकते हैं लेकिन चारों तरफ से छू सकते हैं, वो मूर्ति कहलाती है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में किसी भी प्रकार के रूप यानी कि प्रतिमा या ठोस वस्तु को मूर्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए देवताओं और मनुष्यों की मूर्ति, जब किसी देवता की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है यानी कि उसको मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है तब वो जो मूर्ति है वो लगभग देवतुल्य बन जाती है, ऐसा हिंदुओं में मान्यता है ना बेटा। और सेकंड है बेटा आपका मूर्ति शास्त्र क्या है। मूर्ति आपने बता दिया, अब मूर्ति शास्त्र है मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर कला का वह रूप है जो त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल जिसकी लंबाई चौड़ाई और खुद की मोटाई भी होती है या ऊंचाई कह लो होती है, तो यह कठोर पदार्थ से बनी होती है जैसे कि पत्थर से या मुलायम पदार्थ से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है। तो मूर्ति कला एक अति प्राचीन कला है, इसके अंतर्गत प्रादेशिक क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन और अवलोकन किया जाता है। किसी प्रदेश के संरक्षक की मांग के अनुरूप मूर्तियों की शैलियां भी अलग अलग हो जाती हैं। थर्ड है बेटा अलंकरण क्या है। ठीक है, अलंकरण के बारे में बात करनी है तो मूर्ति शास्त्र कला के अंतर्गत मूर्ति शिल्पों को विभिन्न आभूषणों, रंगों एवं कलात्मक विशेषताओं से सजाना अलंकरण कहलाते हैं। मतलब किसी का भी श्रृंगार करना, मूर्ति का श्रृंगार करना, कविता का श्रृंगार करना शब्दों के द्वारा, चित्र का श्रृंगार करना रंगों से, रेखाओं से, अलंकरणों से, तो वो चीज़ कहलाएगी अलंकरण। जैसे कि शिल्प कला के अंतर्गत मंदिर शिल्प कला में अमल का या कलश स्थापित कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा मूर्ति, मूर्ति शिल्प और अलंकरण। अब बात हो रही है मूर्ति शास्त्र और अलंकरण। अभी इसमें आपसे पूछा था कि अपने पाठ्यक्रम में आपको कौन सा मूर्ति शिल्प अच्छा लगता है, तो बेटा जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी उस वक्त आपको याद है जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है कि हमारे पाठ्यक्रम में आधारित पल्लवकालीन मूर्ति शिल्प गंगा का अवतरण अच्छा लगा हमें। ठीक है, तो यह मूर्ति शिल्प तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ग्रेनाइट चट्टान पर लगभग ईसा की 7वीं शताब्दी में बनाया गया है। यह मूर्ति शिल्प महाबलीपुरम की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संरचनाओं में से एक है। यह संसार के सबसे बड़े तथा प्राचीनतम मूर्ति शिल्पों में से है। इस मूर्ति शिल्प में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की घटना को 2 बड़ी ग्रेनाइट शिलाओं पर या चट्टानों पर उकेरा गया है। दोनों शिलाओं के बीच की दरार में नागराज तथा नागकन्या को चित्रित किया गया है। दोनों शिलाओं के बीच में थोड़ा ऐसे गहरी सी गुफा सी है, बहुत छोटी सी, वहाँ पर।
मूर्ति शिल्प में मनुष्य, देवी देवताओं, जानवरों व अन्य प्राणियों के अलावा एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को अंकित किया गया है जिसको भगीरथ के रूप में जाना जाता है। इन्हें एक पैर पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर किए हुए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। इस चट्टान की लंबाई लगभग 30 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक है। इसे पल्लव शासक महेंद्र वर्मन तथा उनका पुत्र के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया है। इस शिल्प को यानी कि क्या नाम है इस चित्र का, मैं भूल गई एकदम से बच्चे, हाँ गंगा का अवतरण, जो गंगा का अवतरण मूर्ति शिल्प है इसको अर्जुन का तप मूर्ति शिल्प के नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं। तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर 11th क्लास के लिए। जैसा कि आपका एनुअल एग्ज़ाम में आएगा, पूछा जाएगा, उसी के आधार पर ये मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर मैंने तैयार किया है, जो कि आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा मेरे अलावा। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी ज़रूर ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।